हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं योगेश, प्रॉपर्टी 2050 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए डुप्लेक्स में आए हैं, क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, और ये डुप्लेक्स बंगाली कोठी के पास में है। इस डुप्लेक्स की कुछ खास बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली खास बात यह है कि ये रोड से काफ़ी नज़दीक है। जो हरिद्वार बाईपास है, वहाँ से आपको जो डिस्टेंस मिलती है ना, बहुत ही नज़दीक में है। मतलब मेरे राइट हैंड साइड में एक हुंडई का शोरूम है, बहुत ही नज़दीक में। अगर एरियल डिस्टेंस की हम बात करें तो लगभग 100 मीटर के आसपास है, सीधे सीधे में, बिल्कुल हाईवे आपको दिखता है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो ISBT से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास ये डुप्लेक्स बना हुआ है। और इस डुप्लेक्स का जो एरिया है, 68 स्क्वायर यार्ड में ये बना हुआ है, और टोटल जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है दोस्तों, लगभग है ये 1224 स्क्वायर फीट के आसपास। तो यहाँ पे 1 BHK यूनिट आपको नीचे मिलने वाली है, और 1 BHK आपको ऊपर मिलने वाला है। कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है, ऊपर और नीचे आप देखोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन सेम देखने को मिलता है। मतलब नीचे साइड भी आपको वही कंस्ट्रक्शन मिलता है जो आपको ऊपर मिलता है देखने को। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 BHK, उसके साथ में किचन और जो टॉयलेट है वो अटैच है, आप देखोगे अंदर। इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे। और रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डबल साइड रोड है, यहाँ पे 2 यूनिट्स अभी अवेलेबल हैं सेम, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। 16 फीट और 15 फीट की रोड है, एक में डबल साइड रोड है और एक में सिंगल साइड रोड है। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक सोसाइटी यहाँ पे बसी हुई है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन राइट हैंड साइड में भी चलता है और सामने भी चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग रहते हैं काफ़ी। तो इसके बाद में हम आपको पूरा इसका टूर देंगे। साथ ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो वाटर टैंक, आपको अंडर वाटर टैंक मिलता है नीचे, आप देखोगे तो 3000 से लेकर 4000 लीटर का ये अंडर वाटर टैंक है। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी ये पार्किंग स्पेस है, तो यहाँ पे जो पार्किंग का स्पेस है, लगभग आप अपनी एक कार और 2 बाइक या स्कूटी बाइक अगर आपके पास में, उसको आप पार्क कर सकते हो। वैगनार जैसी कार हो गई, या आपके पास में ऑल्टो कार है, उसको आप इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और इस वाले एरिया में आप लगभग अपनी स्कूटी या बाइक्स को लगा सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और डिटेल्स की, तो यहाँ पर आप इसको रेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सेपरेट एंट्री है ऊपर के लिए, ये जो एंट्री जारी है ये ऊपर के लिए आप रेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ रहते हो तो आप इसको रेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास में बोथ ऑप्शन खुले हैं। और सबसे खास बात है कि एक बजट आपको इन्वेंट्री ये हम दिखा रहे हैं, इसका जो प्राइस है ना, बहुत एक्साइटिंग प्राइस है, आपको इसके बाद में मिलने वाला है डिटेल। बीच में कहीं मिलेगा वीडियो को, तो स्टे ट्यून, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना इस वीडियो को दोस्तों। और एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, इसमें आपको थोड़ा सा लाइट कम मिलने वाली है इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर लाइट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है वो, लेकिन जो आपको थोड़ा बहुत लाइट में डिफरेंस देखने को मिलेगा अंदर, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, वो सारी चीज़ें भूलना मत। नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। तो अब बताते हैं आपको पूरा इसका टूर देने वाले हैं दोस्तों। बाकी जितनी डिटेल्स है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई हैं, चाहे कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, ईमेल आईडी हो गई, और इस प्रोजेक्ट की जितनी डिटेल हैं, वो सारी जो छूट गई है ना, सारी आपको नीचे मिलने वाली हैं। उसको आप अच्छे से देखना, चेक करना, और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से आप इंजॉय कीजिए। बाकी बहुत ही नज़दीक है, ISBT भी नज़दीक है, क्लॉक टावर बहुत नज़दीक है, बाकी रोड से कनेक्टेड है, और बाकी रोड की डिटेल्स तो मैंने आपको दे ही दी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसको विजिट करते हैं और बाकी जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या क्या इसमें आपको दिख रहा है। तो इसके बाद में क्विक टूर इसका मिलने वाला है आप।
Thank you.